तो यार गाइस इस शहर में सबसे बड़ा गरीब मैं ही हूँ, क्योंकि यार ये जो पीछे अपार्टमेंट देख रहे हो छोटे से, इसमें मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर ले रखा है, क्योंकि यार उन बड़े अपार्टमेंट में मेरे मकान लेने की औकात नहीं है। तो मैंने सोचा यार मुझे जल्द से जल्द करोड़पति बनना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं एक कार का मतलब कार और बाइक का शोरूम खोलूँगा। तो यार शोरूम खोलने के लिए हमें जगह चाहिए, तो वो जगह देखने के लिए मैं आज जा रहा हूँ। तो यार गाइज यही वो जगह है जो भाड़े पे मिल रही है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, तो यहाँ पर हम बाइक या कार खड़ी कर सकते हैं, और सामने हमारे ऑफिस रहेगा जिसमें यार पेपर वर्क का काम रहेगा। तो चलो अंदर जाकर भी एक बार देख के लेते हैं। तो यार गाइज अंदर जाकर मैं आ चुका हूँ। तो मैनेजर कह रहे हैं कि भाई कम से कम हमें 4 गाड़ियों की अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यार गाइज अभी मैंने 2-3 बंदों से ऑनलाइन बात की है, तो उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की है। तो चलो फटाफट से उस लोकेशन पर पहुँचते हैं अपनी एक्टिवा को लेकर। तो यार गाइज यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, तो यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी है। भाई यार फटाफट से देख लेते हैं गाड़ी को। यार गाड़ी तो मुझे काफ़ी सही लग रही है, पर यार इसकी प्राइस क्या है पूछते हैं उससे, मालिक से। तो अंकल जी कितने में सेल कर रहे हो आप अपनी बाइक? यार मैं तो पूरे के पूरे 5,000 में बेचने वाला हूँ मेरी बाइक। यार अंकल जी ये तो बहुत बड़ा तगड़ा रेट बता दिया आपने, कुछ कम कर लो यार। तो यार मैंने अंकल जी से इस बाइक को 4,000 में खरीद लिया। अभी इस बाइक को लेकर फटाफट से चलते हैं शोरूम पर। तो मैं बाइक को लेकर फटाफट से पहुंच चुका हूँ मेरे शोरूम के ऊपर, और मैंने इसे यहाँ पर पार्क भी कर दिया। अभी चलते हैं फटाफट से दूसरी गाड़ी लाने के लिए। तो यहाँ पर मैं दूसरी लोकेशन पर भी पहुंच चुका हूँ, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। चलो फटाफट से देख लेते हैं गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो यार भाई कितने में बेच रहे हो आप अपनी बाइक? तो यार भाई मैं मेरे बाइक को 4,000 में बेच रहा हूँ यार, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यार गाइज मैं फटाफट से इसे ऑनलाइन पेमेंट करके गाड़ी को लेकर निकल जाता हूँ अपने शोरूम के लिए। तो यार ये यहाँ पर मैंने मेरे एक्टिव यहाँ पे छोड़ दिए, बाद में आकर ले जाएंगे यार। तो यार गाइज मैं जैसे तैसे करके यहाँ पर 4 गाड़ियाँ लाकर खड़ी कर दिए शोरूम के बाहर। अभी फटाफट से चलते हैं अंदर और जाकर मैनेजर क्या करता है देख लेते हैं। तो चलो यार गाइज मैंने मैनेजर को सब बातें बता दी, तो वो कह रहे हैं कि भाई जैसे ही कस्टमर आएंगे हमारे बाइक सेल हो जाएंगी। चलो फटाफट से एक्टिवा को लेकर चलते हैं हमारे अभी घर पर, क्योंकि यार अभी यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। जैसे ही बाइक सेल हो जाएंगी हमें फिर से लानी पड़ेगी, तब तो आएंगे। तो चलो फटाफट से अभी चलते हैं हम घर पर। ओ भाई यार लैम्बोर्गिनी वाला बंदा कैसी गंदी गाड़ी चला रहा है भाई यार। तो चलो यार गाइज मैं अभी फ्रेश हो चुका हूँ, तो फटाफट से मैंने कपड़े वगैरह बदल लिया। अभी हमारे बाइक को लेकर सीधा चलते हैं हमारे शोरूम पर और जाकर देखते हैं क्या हाल है, मतलब कितनी कार्स वगैरह सेल हो चुकी है देख लेते हैं। तो ऑल राइट गाइज यहाँ पर मैं शोरूम पर पहुंच चुका हूँ, पर 1 सेकंड यार यहाँ पर मुझे एक भी बाइक दिखाई नहीं दे रही। चलो फटाफट से अंदर जाकर मैनेजर से पूछ लेते हैं भाई क्या हो चुका है यहाँ पर। तो ऑल राइट गाइज यहाँ पर हमारी सारी बाइक सेल हो चुकी है, और 1 सेकेंड यार मेरे एक्टिवा किसने गिरा दी थी। तो चलो यार मेरे पास अभी थोड़े बहुत पैसे आ चुके, और अभी मुझे जाना है मतलब हमारे शोरूम के लिए गाड़ियाँ लाने के लिए, क्योंकि यार हमारे शोरूम पे एक भी गाड़ी अभी नहीं बची थी। तो ऑल राइट गाइज मैंने जैसे तैसे कर से फिर से यहाँ पर जाकर लोगों से गाड़ियाँ को लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा काम अभी खत्म हो चुका है। चलो फटाफट से अभी हमारे चलते घर पर, बाद में आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यार अभी मुझे थोड़ी थकान सी हो रही है। जाकर थोड़ा सो लेते हैं, फिर नहा धोकर आ जाएंगे फिर से शोरूम पर। 1 सेकेंड गाइस किसका कॉल आ रहा है देख लेते हैं पहले। क्या मेरी बात करण से हो रही है? तो हाँ भाई यार बोलो, मैं करण ही बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? यार भाई मैं चोर की गाड़ियां बेचता हूँ, मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ, फटाफट से मेरे लोकेशन पर आ जाओ यार। तो यार गाइस इस बंदे के पास तो मुझे जाना है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो हमारे जैसे ही बाइक सेल हो जाएंगी, तो फटाफट से उस बंदे के पास जाकर उसके पास जितनी भी गाड़ियां भाई वो खरीद कर लेकर आएंगे। अभी चलते हैं फटाफट से घर पर। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर बाहर ही हमारी गाड़ी को पार्क कर देते हैं यहाँ पर, और चलते फटाफट से घर के अंदर। तो यार गाइज अभी मैं फ्रेश होकर हो चुका हूँ, अभी फटाफट से मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। अभी हमारी गाड़ी को लेते हैं और चलते फटाफट से शोरूम और जाकर देखते हैं कि भाई हमारी कितनी बाइक सेल हो चुकी है। यार हमें उस बंदे के पास भी जाना है जिसने हमें कॉल किया था, जो कि भाई कार की डीलिंग करता है, मतलब वो चोर था मुझे लगता है जो चोरी की गाड़ियाँ बेचता है। तो यार हमें उसके पास भी जाकर उससे गाड़ियाँ खरीद कर लाना है हमारे शोरूम के लिए। तो यार गाइस मैं शोरूम पर पहुंच चुका हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास अभी 2 ही बाइक बचे हैं, बाकी गाड़ी सेल हो चुकी है। तो फटाफट से चलते हैं अंदर और जाकर हमारा जो इतना भी पैसा है वो लेकर चलते हैं उस बंदे के पास भाई यार। तो ऑल राइट गाइस यहाँ पर मैंने जितना भी मेरे शोरूम में कैश पड़ा था उतना ले लिया। अभी चलते हैं उस बंदे के दिए हुए लोकेशन पर और जाते हैं कि भाई देखते हैं उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं मतलब बेचने के लिए जो हम खरीदने वाले हैं। तो यार गाइज मैं उसके दिए हुए लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ, पर यहाँ पर मुझे कहीं पर भी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही। और राइट गाइज यहाँ पर देख सकते हो भाई कितनी तगड़ी गाड़ियाँ खड़ी है भाई, यहाँ पर लैम्बोर्गिनी, फरारी, फॉर्चुनर, भाई यार थार भी यहाँ पर है। तो यार कितनी एक्सपेंसिव कार है यार ये। यार भाई तुमको ना यार यहाँ पर कैसे आ गए? यार भाई मैं करण हूँ यार, आपने मुझे कॉल करके ना यार लोकेशन सेंड की थी। यार भाई हाँ मुझे याद आ गया, पर यार तुम ये सारी कार्स खरीद लोगे क्या? तो यार मैं सारे तो नहीं ले सकता, मतलब यार ये लैम्बोर्गिनी और फरारी वो बहुत महंगी कार से यार वो मैं नहीं खरीद सकता, बाकी यार ये 4 दे दो यार मुझे। तो
तो यार कैसे उस बंदे को पेमेंट करके मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, और बाद में हम कंटेनर बेच कर सारी की सारी गाड़ियाँ लेकर हमारे शोरूम पर चले जाएंगे। बाकी यार इस वीडियो में आगे क्या हुआ वो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो का पार्ट 2 हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।